अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का क्या जवाब आया है वो अब आपको बता दें। 300 सालों के बाद पीएम मोदी ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ये कहा है प्रहलाद पटेल ने। आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति पर हमला किया, अखिलेश यादव ने संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, ये कह रहे हैं प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला है, सुनिए। आक्रांताओं ने हमेशा काशी को धूल धूसित करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और दुनिया ने माना कि काशी सबसे प्राचीन है। वो अखिलेश यादव हों, वो राहुल गांधी हों, जब ये सनातन की परंपराओं पर हमला करते हैं तो ये आक्रांताओं की श्रेणी में आते हैं। मुझे लगता है कि सब जगह बोलना और विरोध करना जरूरी नहीं है, इनको समझ आना चाहिए। तो जोरदार हमले बोले जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दीपक झा मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। दीपक, कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है, क्योंकि हमले अब कांग्रेस पार्टी पर भी बोले जा रहे हैं। ऑपोजिशन का जो रुख नजर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर, उस पर सवाल बीजेपी के बड़े बड़े नेता उठा रहे हैं। देखिए, मैं दो बातें यहाँ पे बोलूंगा, अखिलेश यादव के लिए भी बोलूंगा और भाजपा के लिए भी बोलूंगा। हाँ। अखिलेश यादव को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। आदि शंकराचार्य ने जीवन के तीन मूल स्रोतों को बताया, गीता, गोविंद और गंगा। तो मानव जीवन की बहुत यहाँ से प्रेरणा मिलती है, यहाँ से जीवन में मुक्ति मिलती है। अगर आप गीता पढ़ते हैं, गंगा स्नान करते हैं और गोविंद का भजन करते हैं, गोविंद अर्थात कृष्ण हो गए, तो इनका मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, मैं तो मानता हूँ। दूसरी बात मैं मोदी जी का कहता हूँ, मोदी जी क्या कर रहे हैं, सिर्फ मोदी जी ढांचा आक्रांताओं की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने बनारस के स्वरूप को बदल दिया है। कैसे? क्योंकि जो वास्तविकता था, जो वास्तविक मंदिर था, उसका ढांचा गिरा दिया मोदी जी ने, अपने मनपसंद आलीशान बना दिया। ठीक है, तरीके से करने की क्या जरूरत थी, आपने वस्तु जो बनारस की वास्तुकला थी, जो लाखों साल की पुरानी काशी थी, आपने उसको नष्ट कर दिया। तो मोदी जी करना क्या चाह रहे, मोदी जी वहां के सांसद नष्ट कर दिया, तो जो करे हमें। दीपक झा, आप इन तस्वीरों को देखकर ये कह सकते हैं कि नष्ट कर दिया, विनाश नजर आ रहा है आपको इन तस्वीरों में? देखिए, अगर धरोहर को आप नष्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, अगर आप लाल किला को बदल के आज मॉडर्न मार्बल लगा दीजिए तो हम आपको क्या कहेंगे, बताइए ना। लाल किला का आप जीर्णोद्धार करिए मार्बल लगा के, तो आपको क्या कहा जाए। चलिए ठीक है, अवनिजेश अवस्थी साहब को यहाँ पर मैं लाना चाहूंगा चर्चा में। दीपक झा को सुन रहे हैं, अवस्थी साहब आप, उन्हें विनाश नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कहता है। 11वीं सदी में ये एक सिर्फ मंदिर तो नहीं था, तमाम मंदिरों का संकुल था, यहां पर दीक्षा दी जाती थी, पढ़ाई लिखाई होती थी, और इसी से औरंगजेब को मिर्ची लगी, क्योंकि दारा शिकोह भी यहां पर संस्कृत पढ़ने आता था। समीर भाई, पहली बात तो ये कि फैक्ट चेक कम अकल लोगों को ये होना चाहिए कि मंदिर के किसी भी पत्थर को, किसी भी प्रस्तर को, किसी भी स्तंभ को कहीं भी किसी भी तरीके से बदला नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे झूठ बोल दो, कोई पूछने वाला नहीं, ताशने वाला नहीं, जा करके माफी मांग लेंगे भगवान से कि हाँ झूठ बोल के आया हूं मैं अपनी राजनीतिक सत्ता के कारण, एक बात। दूसरी बात, जहां तक अखिलेश यादव का बयान है जी, मुझे लगता है कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और मैं चाहूंगा कि कोई बीच में ना बोले। जो व्यक्ति, जिसकी समझ ऐसी हो कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वैक्सीन को कही, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है जी, मैं नहीं लगाऊंगा, जब हमारी सरकार आएगी तब अपनी वैक्सीन बनाएंगे तब लगवाएंगे, उसकी समझ पे क्या कहा जा सकता है। और वैसे तो हिंदू धर्म में एक बात बड़ी मुहावरेदार है कि जब व्यक्ति का अपना अंतिम समय आता है तो उसको लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। तो अखिलेश यादव की वास्तविकता क्या हो सकती है इस बयान के पीछे, कि जब अपना अंतिम समय आता है तो लगता है कि सबका अंतिम समय आ गया, आज मरे कल जग परलोक, तब जग परलोक हो जाता है। ये बात है महत्वपूर्ण। और जहां तक ये बात है कि आपने कहा कि काशी के वर्तमान स्वरूप को, वहां सिर्फ काशी सिर्फ भारतवर्ष के लोगों का नहीं, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, ये काशी आने वाले, काशी जाने वाले करोड़ों अरबों हिंदुओं का अपमान है कि आप अंतिम समय के लिए, अंतिम समय पर काशी जाओ। ये समूची हिंदू भावनाओं का, हिंदू संस्कृति का, हिंदू सोच विचार का अपमान है और भयंकर अपमान है। मुझे लगता है कि समूचे हिंदुओं ठीक है एक मुश्त होकर के इस बयान का जोरदार ठीक है देना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।